नमस्कार दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी द्वारा 50% सिलेबस का जो नोटिफिकेशन था यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया गया है। जो 50% सिलेबस का नोटिफिकेशन है उसमें क्या बात कही गई है, आपका सिलेबस किस प्रकार रहने वाला है, पेपर आपको 50% है किस प्रकार हल करना है, आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है होंगी या नहीं होंगी और कब होंगी, आपको जो रिकॉर्ड है कहाँ जमा करवाना है, पूरी डिटेल है इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो अंत तक आपको वीडियो में बने रहना है और आगे बढ़ने से पहले है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जो 50% सिलेबस है उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ कि आपको पेपर किस प्रकार हल करना है, कितनी यूनिट आपको पढ़नी है। जो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है ये आप देख लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी और आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको पेपर देने से पहले बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 की विश्वविद्यालय की समस्त स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण यथा समय प्रारंभ न होकर विलंब से प्रारंभ होने का मद्देनजर रखते हुए स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा 2021-22 में जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 3 घंटे निर्धारित है के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे समयावधि निर्धारित की जाती है तथा परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्र को हल करना होगा। स्नातक कला वाणिज्य और विज्ञान संकाय जिनमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्र मतलब 2 पेपर्स का आयोजन होता है के संदर्भ में परीक्षार्थियों के 2 प्रश्न पत्र पेपर्स की परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत एक ही पारी में जो 1.5-1.5 घंटे के पेपर होंगे तो निम्न प्रकार है दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो आपकी एग्ज़ाम है कोविड के कारण है लेट हो रही है और जो आप पहले आपका जो पेपर है 3 घंटे का हुआ करता था, अब है उसे 50% करते हुए उसको 1.5 घंटे का कर दिया गया है। प्रत्येक पेपर है वो 1.5-1.5 घंटे का होगा। जो आपका 3 घंटे का पेपर था वो अब 1.5 घंटे का कर दिया गया है, मतलब 50% सिलेबस कर दिया गया है। जो आपके पेपर निम्न प्रकार आयोजित होंगे, 1 दिन के अंदर 2 पेपर आयोजित होंगे। जो फर्स्ट पारी है, फर्स्ट शिफ्ट है, उसके अंदर 2 पेपर होंगे जिसका समय है, फर्स्ट पेपर का समय है 7 से 8:30 है सुबह, और सेकेंड पेपर होगा फर्स्ट पारी के अंदर है वो 8:40 से 10:10 तक है रहेगा, और सेकंड पारी है 11 बजे से 12:30 तक रहेगा, और सेकंड पारी में सेकंड पेपर है वो 12:40 से 2:10 तक रहेगा। थर्ड शिफ्ट है, थर्ड पारी है वो 3 बजे से लेकर है, आपका फर्स्ट पेपर है 3 बजे से लेकर है 4:30 बजे तक है, और सेकंड पेपर है 4:40 से लेकर है 6:10 तक रहेगा। बताया कि उपरोक्त वर्णित अनुसार प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र के मध्य दिया गया 10 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका वितरण एवं संग्रहण हेतु देय है। साथ ही उक्त अवधि में किसी भी परीक्षार्थी की कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो आपको 10 मिनट मिल रही हैं बीच में पेपर के, तो उसके अंदर है जो प्रश्न पत्र आपको वितरित किए जाएंगे और जो आपको पहला पेपर है वो उनकी कॉपियाँ इकट्ठी की जाएंगी और इसमें आपको है बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे बताया है कि उक्त 3 घंटे की समयावधि कला विज्ञान संकाय के कुछ विषय प्रश्न पत्र जिनकी संख्या 2 से अधिक है उनकी परीक्षाएं का आयोजन 2 घंटे प्रश्न पत्र प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र का एक ही पारी में मतलब 1.5-1.5 घंटे के आयोजित होंगे, और जो शेष प्रश्न पत्र है वो तृतीय प्रश्न पत्र की जो परीक्षा आगामी दिवस में 1.5 घंटे की समयावधि में कराई जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि जो आपके 1 दिन में 2 पेपर होते हैं साइंस के अंदर, मतलब 3 पेपर होते हैं, तो एक दिन के अंदर है 2 पेपर लग जाएंगे और अगले दिन है जो 1 पेपर और बचेगा वो 1.5 घंटे का हो जाएगा, तो 1 दिन के अंदर आपके 2 पेपर लगेंगे, ये बताया गया। इसमें सेकंड पॉइंट है कि जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 1.5 घंटे व 2 घंटे निर्धारित है उन प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थियों द्वारा हल करने की समयावधि 1.5 घंटे व 2 घंटे यथावत रहेगी एवं परीक्षार्थियों को पाठ्यक्रमानुसार कुल पूर्णांकों के अनुसार ही प्रश्न पत्र को हल करना है। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे अथवा और यूनिट
के अनुसार प्रश्न पत्रों को हल करने की बाध्यता नहीं रहेगी। इसमें यह बताया गया है कि जो मतलब आपका पेपर है कोई भी संकाय के अंदर है आपका पेपर, या तो मतलब पहले भी आपका डेढ़ घंटे का हुआ करता था, और या फिर पहले आपका जो पेपर है डेढ़ घंटे या फिर दो घंटे का हुआ करता था, उसका समय भी अब वो ही रहेगा, डेढ़ से दो घंटे रहेगा, और जो यूनिट की बाध्यता है वो समाप्त कर दी गई है। आगे बताया है कि उदाहरण है, इसमें उदाहरण भी देख के बताया जो कि मैंने आपको बता दिया है। पहले आपका जो डेढ़ घंटे का पेपर या दो घंटे का पेपर हुआ करता था वो मान लीजिए चाहे 40, 50, 60, 70, 100 नंबर का जितना का भी होता था तो वो उतने ही नंबर का होगा। थर्ड पॉइंट है इसमें यह बताया है कि परीक्षार्थियों को दिए गए प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे यूनिट, इकाई तथा अथवा और के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। जो आपकी यूनिट की बाध्यता है वो हटा दी गई है जो सभी संकाय के अंदर। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों में 50% प्रश्न पत्र ही हल करना है। आपको 50% ही हल करना है, मतलब 10% आते थे पहले, उसमें 5 करने होते थे, अब आपको उसका 2.5% करने होंगे, मतलब 3% करने होंगे। जो 5 करने होते थे, जो आपको 5 है अपनी उत्तर पुस्तिका में करने होते थे, अब उस 5 का ही आपको 50% करना, मतलब 3% आपको करना है। जो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है इसको पूरा देख लीजिए, पूरी जानकारी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी किस प्रकार आपको पेपर हल करना है। आगे ये बताया है कि परीक्षार्थियों द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा में अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में हल किए गए सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किए गए 50% प्रश्नों के अंकों को 100% में परिवर्तित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है जो आपको 10% मिलेंगे उसमें आपको 3 ही हल करने हैं। यदि कोई स्टूडेंट है वो ज़्यादा हल करना चाहता है या ज़्यादा हल कर देता है उत्तर पुस्तिका में, जैसे मान लीजिए 4 कर देता है, कोई 5 कर देता है, कोई 6 कर देता है, तो आपके 3% ही जाँच होंगे। जो पहले 3% किए गए हैं वो ही जाँच होंगे, जो लास्ट में और बाकी 4, 5, 6 किए गए हैं वो जाँच नहीं होंगे। तो उन्हीं 3 में अंदर मिलेगा, और जो आपका जो परसेंट जो आपको नंबर मिलेंगे वो 50% के आधार पर मिलेंगे, और फिर उनको डबल करके यूनिवर्सिटी है 100% के आधार पर है आपका जो रिजल्ट है वो तैयार करेगी। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ रही है। जो आपका जो पेपर है निम्न प्रकार कर दिया गया है। पहले मतलब आपका जो 100 नंबर का पेपर हुआ करता था वो 50 का कर दिया गया, जो 80 का था उसको 40 का कर दिया गया, जो 50 का था उसको 25 का, और जो 75 का था उसको 38 नंबर का कर दिया गया है। अब जो प्रैक्टिकल वाले हैं उनके बारे में सूचना है। चौथा पॉइंट है प्रैक्टिकल वालों के संबंध में जानकारी है। इसमें बताया गया है कि 2021-22 के समस्त प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा कराई गई। जो आपके द्वारा जो प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके द्वारा जो फाइल है बना ली गई है, और जो ट्रेनिंग हुई थी, जो आपको प्रमाण पत्र दिया गया था जो ट्रेनिंग के अंदर है, उसके आधार पर विश्वविद्यालय में जमा कराई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर ही आयोजित कराई जाएगी। जो आपकी फाइल और असाइनमेंट के आधार पर ही आपकी जो प्रायोगिक है प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम है वो होगी, अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं है। और जो आपकी फाइल असाइनमेंट है और जो आपको ट्रेनिंग के दौरान जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसके आधार पर जो आपकी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम है वो आयोजित की जाएगी, उसके आधार पर ही है जो आपकी ये प्रायोगिक परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। जो प्राइवेट स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, दोनों जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज के अंदर संपर्क कर लें। इस संबंध में नियमित रूप से अध्ययनरत परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय विभाग निर्देश फाइल असाइनमेंट तैयार कर जमा करवाएंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपनी कॉलेज के अंदर है, फाइल है, असाइनमेंट है, उनको जमा करवाना है, कॉलेज में संपर्क करना है। और जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है, स्वयं पाठ्य परीक्षार्थी आवंटित प्रायोगिक प्रशिक्षण केंद्र के शिक्षकों के निर्देश फाइल और असाइनमेंट तैयार करेंगे तथा अपनी फाइल असाइनमेंट प्रायोगिक परीक्षा में प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर प्रायोगिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर साथ अनिवार्य रूप से जमा करवानी होंगी। जो भी प्राइवेट वाले हैं उन्होंने जो
गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है अपनी जो फीस जमा करवाई थी प्रैक्टिकल की, वहाँ से ही उनको जो प्रैक्टिकल फाइल है उनकी जमा व्यवस्था करनी है, कैसे बनानी है, जो असाइनमेंट है जो उस कॉलेज के अंदर ही पूछना है, और आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, उसमें बताया जाएगा आपको फाइल है कब जमा करवानी है, और उस कॉलेज का नाम भी आएगा कि उस कॉलेज में आपको फाइल जमा करवा कर आनी है। प्राइवेट वाले ध्यान से सुने, आपको फाइल बनानी है, असाइनमेंट है वो भी चाहिएगा, और एडमिट कार्ड है जारी होगा, अलग से जारी होगा, उसमें बताया जाएगा आपको कहाँ जमा करवाना है। आगे देखते हैं, प्रायोगिक परीक्षा केंद्र द्वारा परीक्षार्थी नियमित एवं स्वयं पार्टी की फाइल असाइनमेंट जमा करते समय उनकी उपस्थिति आवश्यक रूप से करवानी होगी, जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। आपको जाना अनिवार्य होगा, फाइल जमा करवाना, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, एडमिट कार्ड जारी होगा, आपको कहाँ जमा कराना है और एडमिट कार्ड के अंदर बताया जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट है उसी को जाना है, उनकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल जो प्रेजेंटेशन है आपका वाइवा और जो सेमिनार होते हैं का आयोजन होता है, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय विभाग द्वारा करवाया जाएगा। जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, उन पाठ्यक्रमों में फाइल असाइनमेंट ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। आपका जो फाइल और जो वाइवा और जो आपका है असाइनमेंट है, उसके आधार पर आपको है प्रैक्टिकल लिया जाएगा, मतलब कहने का मतलब एग्ज़ाम टाइप होगी आपकी, एक तरह की एग्ज़ाम ही बताया जाएगा इसको। आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और आपको कहाँ देने जाना है ये आपको पता चल जाएगा, जो जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा। फिफ्थ पॉइंट बताया गया है कि परीक्षार्थियों द्वारा जमा कराई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन करते हुए बाह्य परीक्षकों की सूची कॉलेज पैनल पर अपलोड की जाएगी। जो आपकी फाइल अभी द्वारा फाइल की जाएगी वो है ऑफिशियल वेबसाइट है, वो कॉलेज की पैनल है, उस पर चढ़ा दी जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट है कि 2021-22 के सभी परीक्षाओं जिन प्रश्न पत्रों में परीक्षार्थियों द्वारा हल किए गए प्रश्नों के पूर्णांक का योग पूर्णांक के सबसे अधिक होता है, तो इसी स्थिति में अंकित प्रश्न पत्र के पूर्णांक को 50% की सीमा तक कम करते हुए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन है वो किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि आपके जो प्रश्न हैं, प्रश्नों का योग है 50% से ज़्यादा होता है, तो उनको 50% रखा जाएगा, उनको 50% किया जाएगा। यदि पेपर में गलती से 50% से ज़्यादा प्रश्न का जो योग है, अंकों का योग है, वो ज़्यादा छप जाता है, तो उसको 50% कर दिया जाएगा, उसके आधार पर ही आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब आपको 50% ही हल करना है। अतः उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए परीक्षाएं संपन्न करवाएं, साथ ही परीक्षार्थियों को अपने स्तर पर ही आवश्यक रूप से सूचित करें। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी का ये 50% सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी है, आपको मैंने बता दिया है। जो प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल वाले हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है, वो अपनी कॉलेज में संपर्क कर लें, उनको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉलेज में संपर्क कर लें, उनकी कॉलेज वालों पर है पूरी जिम्मेवारी। और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो है, तो इनको ध्यान से सुने, जो उनको अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, असाइनमेंट है, जो जहाँ अपनी फ़ीस जमा करवा के आए हैं, जो ट्रेनिंग ली है, तो वहाँ पर है संपर्क कर लें, कॉलेज वाले जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है वो संपर्क कर लें। और जो आपका एडमिट कार्ड है अलग से जारी होगा, प्राइवेट वाले ध्यान से सुने, आपका जो एडमिट कार्ड है वो अलग से जारी होगा, और आपको उसमें बताया जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है, उस कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल देने जाना है। जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी और जो वाइवा होगा, जो सेमिनार होगा, उसमें आपकी उपस्थिति ज़रूरी है। आपको जो आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट है वो आपको तैयार करना होगा। तो सभी जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं, जिसने फाइल नहीं बनाई है, यूट्यूब पर सभी अपलोड हैं, आप अच्छे से बना सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक फाइल नहीं बनाई है और उनको अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अपनी कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें फ़ीस जमा करवाइए, वहाँ पर जाकर है जानकारी इकट्ठी कर सकता है, वहाँ से अपनी जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है। बाकी जानकारी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जानकारी दी है वो समझ में आई होगी, जो प्रैक्टिकल के बारे में मैंने बताया है वो आई थिंक आपको समझ में आ गई, आपकी जो
परीक्षा है वो लगभग होगी, जो आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो होगी, और जो आपका है जो प्रैक्टिकल फाइल है उनके आधार पर आपको है जो वाइवा और जो असाइनमेंट है उनके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो सेकावाट यूनिवर्सिटी ने 50% का सिलेबस का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और जो 50% पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार आपको हल करना है, जो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है, जो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है उसको आप देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको इसमें मदद मिलने वाली है, आपको किस प्रकार पेपर हल करना है। तो सेकावाट यूनिवर्सिटी की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।